अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज मैं बनाऊंगी शवारमा चैलेंज रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं क्योंकि डो को राइज होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ली। इसके बाद इसमें नमक ऐड करूँगी, आधा चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच हमीर, 1.5 टेबल स्पून इसमें हमीर, ईस्ट ऐड होगी और 1 अदद अंडा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड होगा और इसको फिर नीम गर्म दूध से गूंद लें। गूंदने के बाद आप इसको कवर करके 2 घंटे के लिए कहीं गर्म जगह पे रख दें, जैसे कि ओवन है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हसबे जायका और लहसुन इसमें मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऐड करूंगी और 1/2 कप दही इसमें ऐड होगा और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने रेस्ट देना है। उतनी देर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली थी, खीरे और गाजर। खीरे और गाजर में आपने आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करना है और तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड करना है और पानी ऐड करके इसको डिप करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आपने वेजेस में सिरका लाजमी ऐड करना है क्योंकि शवारमे में इसी तरह से वेजेस यूज़ होती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉसेस बनाऊंगी। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल इसमें ऐड होगा और 3 अदद इसमें लहसुन के जवे ऐड होंगे और 1 छोटी सी प्याज इसमें ऐड होगी। अब आप इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप ये देखें चिली सॉस हमारी तैयार हो गई है और ये सॉस आपने इसी तरह से बनानी है। 2 सॉसेज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों सॉसेज जो शवारमे में है लाजमी ऐड होती हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद मैं मायो सॉस बनाऊंगी। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने मायोनीज ली है, इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड करूंगी, 3 अदर लहसुन के जवे ऐड करूंगी और 1 खाने का चम्मच लेमन जूस ऐड करूंगी और 1 खाने का चम्मच इसमें ऑयल ऐड करूंगी, आधा चाय का चम्मच इसमें ओरिगैनो लीव्स ऐड होंगे, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड होगा और आधा चाय का चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च। यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च नहीं थी तो मैंने साबुत ही ऐड कर दी क्योंकि ये चीज़ें सब ग्राइंड ही होनी है। ग्राइंड करने के बाद आपने इस लिक्विड को मायो में ऐड कर देना है और ये देखिए मायो सॉस भी तैयार हो गई है। और अब यहाँ पे चिकन को जल्दी से फ्राई करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, अफ्तारी भी होने वाली है। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच ऑयल ली है और इसमें चिकन ऐड किया है। चिकन की आपने अच्छी तरह से भुनाई कर देनी है। जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड की है और 1 खाने का चम्मच इसमें सिरका ऐड की है। अगर आपके पास यहाँ पे लेमन जूस है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास लेमन जूस नहीं था तो मैंने इसलिए इसमें सिरका ऐड किया है। लेकिन ये चिकन हो गया तैयार। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और अब डो को दोबारा से 5 मिनट के लिए गूंदूंगी और इसके बाद मैं इसके 5 पेड़े करूँगी। 5 पेड़े करने के बाद इसकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाऊँगी। बहुत पतली आपने रोटियाँ नहीं बेलनी है क्योंकि शवारमे की आप रोटी बना रहे हैं तो नॉर्मल सी आपने रखनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। सारी रोटियां एक दफ़ा ही बना के इसको रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, फिर इसको कवर करके रखूंगी और फिर 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया और फिर 1 बाय 1 करके सारी पीटा ब्रेड बना लूंगी। और इसको आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, आराम आराम से आप इसको प्रेस करेंगे और फिर आप इसको कवर करके रखते जाएंगे। जी शवारमे की सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, बस सब शवारमा मैंने बना। सबसे पहले इसके ऊपर चिली सॉस ऐड करूंगी, आधा चाय का चम्मच। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें मायो सॉस, दोनों सॉसेस को आप स्प्रेड करेंगे और फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर वेजेज ऐड करनी है, बंद गोभी, खीरे और गाजर, और फिर आपने चिकन ऐड करना है। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर मायो सॉस फिर ऐड करनी है और सॉसेस अच्छा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस फिर आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सेम इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और आप देखें जी शवारमा हो गया रेडी। और इसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाया, बच्चों के लिए भी सेम वही प्रोसीजर किया मैंने। बच्चों के लिए मैंने स्पाइसेस कम रखी हैं और वेजेज ऐड नहीं की हैं, बाकी उसी तरह से सेम मैंने इसको बनाया। और अभी आप ये देखें कट करके दिखाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। और जो वेजेज की खुशबू है ना इस टाइम इसकी सिरके की वजह से, वो ये देखिए फुल भरा हुआ शवारमा है। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अब जल्दी से जाकर लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।